नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंग वाला में। दोस्तों आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चले हैं एशियन पेंट के इकोनॉमी इंटीरियर इमल्शन के बारे में, जो कि है एशियन पेंट का ट्रैक्टर इमल्शन। ट्रैक्टर इमल्शन पहले केवल ट्रैक्टर इमल्शन के नाम से एक प्रोडक्ट आया करता था, लेकिन पिछले कई साल पहले कंपनियों ने इसमें कई वेरियंट निकाल दिया। एशियन पेंट के ट्रैक्टर इमल्शन के अंदर भी कई वेरियंट निकाल दिया गया है। एक तो आता है ट्रैक्टर डिस्टेंपर, जो कि ट्रैक्टर यूनो के नाम से फेमस था, वो अब अलग चीज़ है। लेकिन इमल्शन की बात करें तो हम उसमें 1, 2, 3, 4, 5 रेंज उसमें आती है। 5 रेंज जो हमने यहाँ पे दिखाई है वो 5 रेंज आती है। एशियन पेंट का जो ट्रैक्टर इमल्शन है वो वाकई ही बाकी सभी कंपनियों के जो इस इकोनॉमी इमल्शन की रेंज है उसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला इमल्शन है। ट्रैक्टर जो ब्रांड है बहुत एशियन का पुराना और बहुत ही पावरफुल ब्रांड है। इसको लोग मांगते हुए आते हैं और इसकी खूबियाँ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने तरीके का ट्रैक्टर इमल्शन आता है। सबसे जो लोअर में हम जाते हैं, लोअर में ट्रैक्टर स्पार्क के नाम से जो आता है उसका डिब्बा ये है, और ये 1 लीटर के, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर के पैक में ईजिली अवेलेबल है। दूसरे नंबर में आता है स्पार्क जो है उसका एडवांस वेरियंट, उसका ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस का वेरियंट, ये दूसरे नंबर पर, नीचे से दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पे आता है एशियन पेंट का ट्रैक्टर इमल्शन, जो कि बहुत पुराना चला आ रहा है और ये अभी तक मार्केट का जो बेस्ट सेलर जिसे कहेंगे एशियन पेंट का, वो प्रोडक्ट है ट्रैक्टर इमल्शन। ये इस तरह इसका ये डिब्बा है। इसके बाद जो इसका एक एडवांस वर्जन आता है वो है ट्रैक्टर इमल्शन एडवांस। ट्रैक्टर इमल्शन में इस तरह से ग्रीन कलर का डिब्बा है। इसके बाद दोस्तों बहुत से लोगों की जो फिनिश चाहिए वो थोड़ी शाइन फिनिश चाहिए, उसके लिए कंपनी ने स्पेशल डिमांड पे, जो बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे शाइन प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं, वहाँ के लिए कंपनी ने निकाला है एक प्रोडक्ट एशियन पेंट ट्रैक्टर इमल्शन शाइन के नाम से। उसका डिब्बा ये देखिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इसके क्वालिटी के बारे में। कंपनी का कहना है ये 2 से 3 साल तक चलने वाला इंटीरियर इमल्शन है। जैसे अगर आप अपने घर पर वाइट वॉशिंग कराते हैं, पेंटिंग जब भी कराते हैं, तो ये पेंटिंग कितने दिनों के लिए आप करा रहे हैं। अगर आप पुट्टी वुट्टी लगा के या बहुत दिनों के लिए कराना चाहते हैं तो उसमें प्रीमियम इमल्शन वगैरह के प्रोडक्ट लगते हैं। बट अगर आप इसको 3 से 4 साल 5 साल के अंदर में ही किसी प्रोडक्ट को लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर ट्रैक्टर इमल्शन की रेंज सारी बेस्ट मानी जाती है। ट्रैक्टर इमल्शन शुरुआत करते हैं। ट्रैक्टर इमल्शन जो है वो इकोनॉमी रेंज का बहुत ऐसा है, जो कि कंपनी कहती है कि अगर आप बिना पुट्टी के भी लगा लीजिए या पुट्टी के ऊपर भी लगा लीजिए, 2-2.5 साल की अगर आपकी लाइफ है, आप ऐसी जगह पेंट कराना चाहते हैं जहाँ पे बहुत खर्चे भी नहीं करना चाहते और फिनिशिंग भी अच्छी चाहते हैं, उस जगह पर ट्रैक्टर स्पार्क जो है वो लगाया जा सकता है। कवरिंग इसकी 1 लीटर में लगभग 100 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, और 2 कोट में 100 स्क्वायर फीट पर लीटर डबल कोट में कवरिंग करता है। इकोनॉमी रेंज है 20 लीटर की बाल्टी लगभग 2000 से 2500 रुपये के बीच मिल जाती है। लीटर का पैक लगभग 120 रुपये लीटर का स्पार्क पड़ता है। कलर जो है, कलर इसमें स्पार्क में आपका ज़्यादा रेंज नहीं आती, लेकिन डार्क शेड बहुत नहीं मिल पाते क्योंकि इसके जो बेसिस हैं केवल वाइट बेस ही आता है इसमें, बाकी सारे कलर बेसिस नहीं आते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसका एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन ट्रैक्टर इमल्शन जो एस स्पार्क है उसका अपग्रेड वर्जन है। थोड़ी सी इसमें एंटी फिनिश, एंटी एल्गल प्रॉपर्टीज डाल रखी गई है, और जो उसमें वाटरप्रूफिंग तो नहीं कह सकते, अगर आपका वॉशबिलिटी जो है थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, कि आपने देखा होगा कि कभी किसी का हाथ लग गया, कोई ऐसी गंदगी चीज़ें इसमें लग जा रही है, तो आप उसको आसानी से सफाई किया जा सकता है। कवरिंग इसकी भी लगभग 100 स्क्वायर फीट पर लीटर डबल कोट में बहुत आसानी से हो जाता है। पैकिंग की बात करें, ट्रैक्टर स्पार्क की जो दोनों पैकिंग है वो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में अवेलेबल है मार्केट में। कलर की बात करते हैं तो कलर इसमें ज़्यादा नहीं, आपको लगभग 1000-1200 शेड बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा डार्क शेड इसमें नहीं मिलते। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रैक्टर इमल्शन। ट्रैक्टर इमल्शन जो कि एशियन पेंट का बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट है, जिसको मैं कई बार बता चुका हूँ, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप पुट्टी बिना पुट्टी दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनिशिंग जो है इसकी थोड़ी मैट फिनिश आती है, एकदम शीन फिनिश नहीं आती है। 1 लीटर में जो इसकी कवरिंग आती है वो लगभग 100 से 120 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। लाइफ जो इसकी है, लाइफ इसमें कंपनी का 3 से 4 साल कहती है, 3 से 4 साल अच्छी इसकी फिनिशिंग बनी रहती है। सीलन पे कोई भी पेंट 3-4 साल नहीं चल सकता, ये चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से कस्टमर अक्सर ये आके पूछते हैं कि 3-4 साल मेरा पेंट चला नहीं, उसका रीज़न है अगर सीलन अगर आ रही है तो 3-4 साल पेंट नहीं चलेगा। उसके बाद इसका कलर की बात करते हैं तो कलर इसमें लगभग 5000 शेड बहुत ईजिली मिल जाते हैं। डार्क शेड के सारे बेसेस आते हैं।
ट्रैक्टर इमल्शन की जो जितने भी बेसिस आ रहे हैं मैं भी आपको साइड में मेंशन कर देता हूँ कि कितने इसके बेसिस आते हैं। ट्रैक्टर इमल्शन के सारे बेस अवेलेबल हैं जिसमें कि T1, T3, T15, T13 इस तरीके से बेस आ रहे हैं, T20 इस तरीके से बेस आ रहे हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। और इसमें आप कवरिंग वही मैंने बताया कि 100 से 120 स्क्वायर फीट एरिया, फिनिश जो है इसकी हल्की सी मैट फिनिश आएगी, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और बिकने में भी आसानी से बहुत बिकना है। क्या इसके बारे में बोलें दोस्तों, इसकी जो एक लीटर की जो पैकिंग, एक लीटर है लगभग ये 220 से 250 रुपए का एक लीटर पड़ता है। बाकी रेट जो है वो एक बार डीलर के यहाँ कन्फर्म कीजिए, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि आप रेट सही नहीं बताते हैं, तो रेट इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट होते हैं और अलग अलग डीलर के पास कलर क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा है, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है रेट बढ़ चुके हों, क्योंकि इधर पिछले साल दिवाली से इस साल तक में बहुत से रेट गए, 30 से 35% रेट बढ़े हैं, तो उससे रेट का कन्फ्यूज़न रहता है। तो रेट कन्फर्म रेट लगभग हमने बता दिया कि लगभग 200 से 250 रुपये लीटर के बीच में आपको ट्रैक्टर मशीन मिल जाएगा। तो आप इजीली आप एक बार जाके आइडिया बना सकते हो कि मार्केट में 200 रुपये लीटर का पेंट है इको ना। दोस्तों उसके बाद कंपनी ने लेकर जो आया था एडवांस रेंज, जो नॉर्मल ट्रैक्टर मशीन है उसका ये अपग्रेड वर्जन है। फिनिशिंग इससे थोड़ी स्मूथ आती है, फिनिश थोड़ी और अच्छी कह सकते हैं, वॉशिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है इसके मुकाबले, वाइटनेस जैसे अगर आप बहुत वाइट कलर का जो फिनिशिंग चाहते हैं वो इसमें इसके मुकाबले ज़्यादा है। कई कई लोगों ने ये बोला कि जो एडवांस रेंज है कंपनी केवल पैकिंग बदल के प्रॉफिट के लिए देती है, बट ऐसा नहीं होता। जब कंपनी एडवांस रेंज लेकर आई है तो एडवांस रेंज में कुछ ना कुछ एडवांस फीचर्स ज़रूर रखती है, क्योंकि अगर वो एडवांस फीचर नहीं होगा तो ये नहीं बिकेगा, ठीक है। और जब आप कोई भी, आपको कभी अगर ऐसा लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि ट्रैक्टर इमल्शन का सेम सेट को दोनों में अलग अलग बनवा लीजिए, तो आपको थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग इसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये इसे लगभग आपको 10 से 15 रुपए लीटर महंगा पड़ता है ये, ठीक है। तो कवरिंग की बात करें, कवरिंग इसकी वही एक लीटर में लगभग आपका 100 से 120 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। इसके भी सारे बेस अवेलेबल हैं और ईजिली ये मार्केट में लगभग 5000 शेडों में उपलब्ध है। इसके बाद बात करते हैं ट्रैक्टर इमल्शन की जो फिनिशिंग में, कवरेज में, लगाने के तरीके में। लगाने का तरीका वही है, अगर जैसे भी आप रीपेंटिंग करा रहे हैं तो रीपेंटिंग में आप एशियन पेंट के जो भी ट्रैक्टर इमल्शन में है आप पुराने पेंट के ऊपर डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट अगर आप नई पेंटिंग कराने जा रहे हैं पुट्टी वुट्टी लगा के, तो प्राइमर के साथ, प्राइमर पुट्टी प्राइमर के साथ इस तरह से लगाना है। बट ज़्यादातर ट्रैक्टर मशीन लोग सादी दीवारों पे लगाते हैं, जैसे हमारी एज इट इज़ दीवार है, प्राइमर लगाया हमने या वाइट सीमेंट लगाया उसके ऊपर कवर में ट्रैक्टर मशीन लगा दिया, ये इस कैटेगरी का पेंट है, मतलब बहुत लोअर कैटेगरी में पेंट कह सकते हैं, इकोनॉमी सीरीज कहते हैं। दोस्तों इस सब के अलावा कंपनी ने एक फोकस प्रोडक्ट को और निकाला, ट्रैक्टर मशीन शीन को, ट्रैक्टर शाइन को। ट्रैक्टर मशीन शाइन जो है वो सेम प्रॉपर्टीज दोनों का, जो एडवांस और नॉर्मल ट्रैक्टर मशीन का एडवांस जो है उसका अपग्रेड वर्जन है, और इसमें शीन चमक बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इस दोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार हमने कमरे तो पेंट करा लिए बट उसमें चमक इतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो उसके लिए कंपनी ने एक शाइन प्रोडक्ट निकाला है। और जिस समय एशियन ने शाइन प्रोडक्ट निकाला उसके बाद से सभी कंपनियां शाइन प्रोडक्ट की भरमार लग गई, जिसको देखो वो शाइन ट्रैक्टर मशीन, शाइन ए शाइन, सुरक्षा शाइन, मतलब सभी कंपनियों का शीन प्रोडक्ट आने शुरू हो गए। तो शीन बहुत से ऐसे स्टेट हैं जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बहुत से ऐसे जगह हैं जो शीन प्रोडक्ट, चमक वाले प्रोडक्ट को बहुत पसंद करे जाते हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट स्टेट है जहाँ पे मैट फिनिश के पेंट पसंद करे जाते हैं। तो अगर आपको चमक वाले पेंट पसंद हैं, बहुत शाइन पेंट, तो आप ट्रैक्टर मशीन शीन ले सकते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आप शाइन प्रोडक्ट लगाते हैं तो उससे पहले कंपनी रिकमेंड करती है कि आपको प्राइमर लगाने की ज़रूरत होगी। उसका रीज़न भी है, क्योंकि कई बार हमने भी अपने किसी साइड पर लगवाया था, वहाँ पर अगर लग गया तो ठीक है, बट अगर नहीं लगता सही तरीके से तो उसमें ब्रश के निशान और बहुत अच्छी तरीके से फिनिश नहीं आ पाती। लेकिन अगर हम प्राइमर लगा के शाइन प्रोडक्ट को लगाते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो जब हम शाइन प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा खर्चा जो है वो प्राइमर का बढ़ जाएगा, तो प्राइमर के खर्चे के लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए एशियन पेंट का शीन जो प्रोडक्ट है, जो शाइन प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको प्राइमर लगाना है। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर मशीन के बारे में जो हमने आपको बताया वो पूरी एक रेंज ट्रैक्टर इमल्शन में क्या क्या आती है, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। सबसे लोअर में ट्रैक्टर इमल्शन का स्पार्क जो प्रोडक्ट है, उसके बाद स्पार्क एडवांस आता है, फिर तीसरे नंबर में ट्रैक्टर इमल्शन जो उनका ट्रेडिशनल जो ट्रैक्टर इमल्शन ये चला आ रहा है, फिर उसके बाद ट्रैक्टर इमल्शन का एडवांस जो चला आ रहा है, उसके बाद ट्रैक्टर शाइन प्रोडक्ट चला आता है।
ये सारे ट्रैक्टर इमल्शन के प्रोजेक्ट हैं। बेसिस ट्रैक्टर इमल्शन में, ट्रैक्टर एडवांस में और ट्रैक्टर शिन में बेसिस आते हैं, बट ट्रैक्टर स्पार में कोई बेसिस नहीं आते, वाइट में ही डिंट होता है और वाइट में ही कुछ कलर बन जाते हैं। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर मशीन एक छोटा सा रिव्यू है ट्रैक्टर मशीन के बारे में। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो इसको वीडियो को आराम से देखिए। प्लीज़ दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए प्लीज़, और लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है कि जिसमें कि पेंट से रिलेटेड सबके बारे में बताता हूँ, पेंट कंपनियों के बारे में बताता हूँ। आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, कल फिर कोई नया प्रोडक्ट को लेकर आएंगे या किसी कंपनी के बारे में लेकर आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।